खबर लेते हैं कैथल से। कैथल से आया साइबर फ्रॉड का मामला। YouTube वीडियो से ट्रेनिंग लेकर बने शातर अपराधी, अपने ही मालिक के बैंक खाते से उड़ाए लाखों रुपए। आज ऑनलाइन का समय है और यहां बच्चे YouTube से वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। वहीं शातर YouTube पर वीडियो देखकर फ्रॉड कैसे किया जाता है इसे भी सीख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कैथल से सामने आया है, जिसका खुलासा DSP विवेक चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में किया है। पूरा क्या मामला है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता का विषय है, ये हमारा एक FIR नंबर 315 हमने दर्ज की थी। उसके हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा है। ये एक साइबर फ्रॉड का मामला है, जो हमारे यहाँ पे गोपाल कृष्ण नाम के व्यक्ति ने एक FIR लॉन्च करवाई थी कि उनके अकाउंट से जब उन्होंने अपनी पासबुक को प्रिंट करवाया था 2,22,000 रुपये की उनके साथ फ्रॉड होना पाया गया, डेबिट हो गए 2,22,000 रुपये। और 2,22,000 रुपये का कुछ बिटकॉइन परचेज करना पाया गया। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की FIR रजिस्टर करने के बाद, हमारे स्पेशल साइबर सेल जो है इंस्पेक्टर मुकेश के द्वारा, उसमें वो इंचार्ज हैं उसके, जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसमें पता लगा कि जो बिटकॉइन परचेज किए हुए हैं उस बिटकॉइन को फिर फर्दर उन्होंने जो है बिटकॉइन को इनकैश करा के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे में डाला है, उससे फिर पेटीएम में डाले हैं और पेटीएम से उसका विड्रॉल किया है, ATM से कैश विड्रॉल भी था। तो जो दोनों लड़कों को उनको बैक ट्रैक करके जब आइडेंटिफाई किया तो उसमें एक लड़का महेंद्र है, महेंद्र उसको हमने राउंड अप किया। जब उससे पूछताछ करी तो उसने कन्फेस किया क्राइम, तो उसमें दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया, एक महेंद्र और एक अमित, दो लड़के थे। इनसे जो रिकवरी हुई है वो महेंद्र से, ये 2,22,000 का फ्रॉड था। इस पर उन्होंने जो है इस पैसे को कहीं यूटिलाइज भी किया, जैसे 30,000 की एक AC का परचेज किया गया, 20,000 का एक मोबाइल, नेपाल भी ये लोग घूम के हैं, 30,000 कुछ के अराउंड वहाँ स्पेंड किए इन्होंने। 50,000 रुपये की रिकवरी एक अभियुक्त से हुई है और 50,000 की समथिंग की रिकवरी एक दूसरे अभियुक्त से हुई है। दोनों के मोबाइल भी हमारे पास सीज्ड हुए हैं। पेटीएम का जो ATM है वो हमें मिला है, एक उज्जीवन बैंक जो है उसका भी ATM हमें मिला है, और जो हमारे पास फुटेज वगैरह भी मिली है हमें जो कैश विड्रॉवल किया था अभियुक्तों ने, तो इसको हमने पूरा का पूरा ट्रैक किया है। देखिए, जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके का था कि जो ये लड़का था ये नहीं कि शॉप में काम करता था पहले, काफ़ी टाइम से 5-6 साल इन्होंने, क्योंकि इनकी जो ये कंप्लेनेंट हैं एक क्लोथ्स मर्चेंट हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, इनके यहाँ पे काम करता था। तो इन्होंने क्या किया, जो उनका यूज़र आईडी इनको पता लग गया था, चुपके से यूज़र आईडी देख लिया इंटरनेट बैंकिंग का, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। तो इन्होंने जो है उनके मैसेज जो है, अब नई ऐप आई हुई है, मैसेजेस का एक्सेस अपने मोबाइल पर ले लिया। पहले वो गुड फेथ में अपना मोबाइल दे देते थे कि आप अपना हमारा मोबाइल ले जाइए और कहीं भी बाजार में जा रहे हैं किसी से बात करानी है उसके लिए, तो वो उसमें इन्होंने ऐप में डाल दिया, तो मैसेज का एक्सेस इनके पास आ गया। तो उसके बाद जब इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करी तो उसके पासवर्ड को रीसेट करके और 2,22,000 रुपये के पैसे को साइफन ऑफ करके बिटकॉइन परचेज़ किए। तो जो बिटकॉइन परचेज़ किए, तो जो उनके अकाउंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होती है, तो बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी की परचेज उससे हुई। उसके बाद उस क्रिप्टो करेंसी को फर्दर सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये अपने खानपुर विलेज के रहने वाले हैं, लोकल कैथल के ही। तो कुल कितने लोग हैं सर इसमें? दो ही लोग इन्वॉल्व हैं। लड़का इन्वॉल्व है, उसके साथ जो कॉन्विंस में था जिससे वो पूछताछ कर रहा था, जो जिसने उसको बताया सारा मोडा सब रेंडी, वो अमित नाम का लड़का है। नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं। वो एक ही गांव के हैं, वो कज़न हैं आपस में, तो वो वीडियो देखते रहते थे अपना यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से इस तरह फ्रॉड किए जा सकते हैं, सस्ता सोना कहाँ मिलता है इस तरीके का। तो इस तरीके से वो इंटरनेट बैंकिंग के जो फ्रॉड्स के मेथड्स होते हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उनको ब्राउज करते थे। जब उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक किया गया तो उसमें ये बात आई। तो पकड़े कहाँ से सर ये? हमने यहीं से पकड़े, उनके गांव से ही। जी, किस तरह बचा जाए इस तरह? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अलग अलग नए नए मेथड डिवाइस हो रहे हैं फ्रॉड्स के। तो अगर आपको कोई भी स्पूरियस कॉल आती है जो आपका OTP मांगता है या पासवर्ड मांगता है, जो वो बैंक से भी हो सकती है जनरली, तो कभी भी बैंक OTP या पासवर्ड जो है वो कभी नहीं मांगते। तो कभी भी आप अपना OTP पासवर्ड्स, कोई भी जो बैंक की लॉगिंग डिटेल्स हैं या कोई भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो शेयर नहीं करना चाहिए। कौन से थाने में FIR करती है? ये सिटी के थाने की है, ये 31 तारीख को FIR रजिस्टर्ड हुई है। लड़के हैं, एक बार 8वीं पास है, एक 12वीं पास है। वो ब्राउजिंग हिस्ट्री तो दिखा रही है, काफ़ी टाइम से कर रहे थे। वो तो प्रोसेसली नहीं बताया जा सकता कि एक साल से इस काम में थे या 2 साल से कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने अटेम्प्ट किया तो पूरा कर लिया। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल, 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक के ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वेदिक
ऑयल यानी के 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फी रिलीफ, विजिलैक्स, वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लिफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री लिफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।